Hi to all, I am your English teacher and today we are going to learn something new, something very interesting, and that is figure of speech or poetic devices, or you may know it as also the literary devices. And many times I told you about it after your poems. Now I am going to explain one by one, that's why you will be able to understand more better way how you can just find out in your poem or after your poetry section which type of figure of speech is used there. There are many type of figure of speech, just like simile, metaphor, personification, alliteration, repetition, rhythm, rhyming, etc. And what is the use of this? Firstly, the question is raised in each and every mind, what is the use of poetic devices in poetry? समवेयर हम किसी से जब बात करते हैं तो अपनी बातों को इम्प्रेसिव इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि सामने वाले का जो ध्यान है वो हमारी बातों की तरफ हो और ही और शी हियर्स मोर इंटेंटिवली, बहुत अच्छे से हमारी बातों को सुने, मोर अटेंटिवली और क्लियरली और इंटरेस्टिंग लगे हमारी बातें, बोर ना करें. तो हम कुछ ना कुछ अपनी बातों को इंटरेस्ट बनाने के लिए उसमें कुछ रोचक चीजें डालते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं. जैसे हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा अलंकार, दैट इज द सेम थिंग हियर. दिस पॉइंट यूज ऑल दिस डिवाइसेस टू मेक हिज हर पोयम मोर इंटरेस्टिंग, जिससे कि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे और बातें बहुत अच्छी लगी. तो चलिए देखते हैं कि हाउ. फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मैंने आपको कई पोयम के बाद डिस्क्राइब किया है. एलिट्रेशन जहां पर जो एक अल्फाबेट होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मेनी टाइम्स वो रिपीट होता है. हेयर इज एग्जाम्पल ललिता, लिटिल ललिता लाइक लॉलीपॉप, लिटिल एल ललिता एल लाइक एल लॉलीपॉप अगेन एल. तो यू जस्ट एबल टू नो गेस कि यहां पर एक अल्फाबेट एल बार बार रिपीट हो रहा है, तो सेम अल्फाबेट रिपीटेशन जो बार बार होता है दैट इज एलिट्रेशन. आई होप कि अभी से आप पोयम में पहचान लोगे. नेक्स्ट सिमिली. सिमिली और मेटाफर समवेयर एक दूसरे को जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सेम ही है. देयर इज स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज. सिमिली एंड मेटाफर चीजों को जो है डिफरेंट दिखाते हैं, उल्टा दिखाते हैं. जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, द सन ब्लेज लाइक एन एंग्री फायर, सूरज ऐसे चमक रहा है जैसे कि कोई गुस्से वाली आग हो. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किसको लगाकर करते हैं, किससे हम इसे पहचान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं लाइक और एज, ये दो चीजों को देख लगाकर किसी भी चीज को कंपेयर करता है, और यही सिमिली को पहचानने का तरीका है. एंड मेटाफर में वो डायरेक्ट उस चीज को वही बताता है. जैसे यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा दिल सोने का है, तो तुम्हारा दिल सोने का है, सोने से उसे कंपेयर कर दिया गया, और यहां पर कंपेयर करने के लिए एज या लाइक का यूज किया गया. तो दैट इज सिमिली और मेटाफर. एंड हेयर अनदर वन इज एसोसिएशन, एंड इसका मतलब होता है एसेंस का मतलब. जैसे हमने पढ़ा एलिटरेशन, यहां हो रहा था अल्फाबेट बार बार रिपीट, और यहां क्या रिपीट हो रहा है, यहां हो रहा है एक सेम वॉवल रिपीट. तो वेयर देयर इज सेम वॉवल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट इज अ सेंस. फॉर एग्जांपल क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट, विच वन वॉवल इज गोइंग अगेन एंड अगेन, क्लैप ए योर हैंड अगेन ए एंड अगेन ए स्टैम्प अगेन ए. तो वॉवल इज रिपीटेड मेनी टाइम. तो जहां वॉवल रिपीट हो एसेंस, जहां अल्फाबेट रिपीट हो एलिटरेशन, जहां कंपैरिजन एज और लाइक के साथ हो सिमिली, जहां डायरेक्ट बात को बता दिया जाए कि तुम ये नहीं ये हो तो वो मेटाफर. नेक्स्ट इज आयरनी. आयरनी यहां पर एक कमेंट, जो होता नहीं है वो बता दिया जाता है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल द फायर स्टेशन बर्न टू द ग्राउंड. ऐसा हो सकता है, फायर स्टेशन हमेशा यूज किया जाता है जब कभी भी फायर लगती है कहीं भी, तो हम फायर स्टेशन जाते हैं, इक्विपमेंट वहां से यूज करते हैं आग बुझाने के लिए. और ये क्या कह रहा है, द फायर स्टेशन बर्न टू द ग्राउंड, फायर स्टेशन ने जमीन को जला दिया. बहुत ज्यादा कमेंट, बहुत ज्यादा बात को बढ़ाकर बोलना. देन राइम. राइम एज यू नो आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो राइमिंग इसकी, या फिर आपने नर्सरी में राइम्स पढ़ा है. तो जब लय में किसी बात को बोला जाए, रिदम में बातों को लेकर आया जाए, तो वो यहाँ रेड बैट कैट सैट हेयर देयर. और मोस्टली जब हम पोएम्स को पढ़ते हैं तो लास्ट की जो उनकी लाइन्स होती हैं वो एक राइम पर खत्म होती है, एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन किसी भी लाइफलेस चीज को लाइव बनाना, लाइव बना देना, जीवित कर देना, ऐसा दिखाना कि उसको जिंदा कर दिया गया, कि जिंदा चीज बना दिया गया है. जैसे द फ्लावर डांस इन द ब्रीज. फ्लावर्स नॉन लिविंग थिंग, और वो कैसे डांस करेंगे, बट यहाँ पे द फ्लावर डांस इन द ब्रीज, जब अच्छी मधुर हवा चल रही है तो फ्लावर डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं. तो उसको मानवीकरण बना देना, उसको ह्यूमन में लेकर आ जाना. नेक्स्ट हमारा पन. जैसे हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे श्लेष अलंकार, तो पन यहाँ बात में ह्यूमर डाला जाता है, बात को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, मजाकिया बनाया जाता है.
The tallest building in the town is the library. It has thousands of stories. अब just look at here. कितना interesting है ये. The tallest building in the town, the library. सबसे बड़ी building शहर की है library. क्यों? क्योंकि it has thousands of stories. उसमें बहुत सारी stories हैं. अब ये कौन सी stories है? ये stories की बात हो रही है कहानी वाली, कि उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं और बुक्स में बहुत सारी कहानी होती है, तो इसलिए वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है. इज इट ट्रू कि वो इसलिए टॉलेस्ट है? जबकि अगर टॉलेस्ट की बात की जाए तो स्टोरीज की बात वहां होगी तो क्या होंगे? फ्लोर्स होंगे, मंजिल होंगी, लेकिन यहाँ इसमें ये ह्यूमर डाला गया, तो दैट इज पन. आई होप कि आपने इन सभी को अच्छे से समझ लिया होगा. फॉर मोर एंड मोर एक्सप्लेनेशन इन ऑल दिस अबाउट ऑल दिस फिगर ऑफ स्पीच, यू मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो. इट्स अ पार्ट वन. You will be attentively able to watch out the part 2 also. See you soon in next video. Till then, Jai Hind to all.